खाई बहुत जबरदस्त लगती है भाई की, बहुत जबरदस्त है गाइज, आप देख सकते हो। तो गाइज ये देख लो, मेहनत करने का नतीजा है। एक बार ट्रेन करो, लेकिन ऐसे करो। 2 3 सो हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर फिटनेस व्लॉग। और दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या ट्रेन करने वाले हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, यानी कि फुल आर्म्स की ट्रेनिंग होगी। और मेरे साथ है अभिषेक भाई, पहले जिम में ट्रेनर भी थे। भाई कौन सी जिम में ट्रेनर थे आप? एनीटाइम फिटनेस। कि जिन लोगों का आर्म्स ग्रो नहीं करता है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज लेकर आए हैं। तो हम दोनों मिलकर आज आर्म्स को ट्रेन करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। एंड उससे पहले आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, भाई को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। भाई इंस्टाग्राम आईडी क्या है आपकी? Instagram अभी 38, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके फॉलो कर लेना। हेलो गाइस, सो हमारी फर्स्ट बाइसेप्स ग्रो करने की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है बारबेल कर्ल एंड सेकंड है रोप एक्सटेंशन। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज समझाना चाहूंगा कि कभी भी आप लिफ्ट करते हो तो वेट पे कभी मत जाएं, अपना मीडियोकर वेट लें जिसमें आप कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन ले सके। और कभी भी बाइसेप्स या कुछ भी चीज करें तो माइंड कनेक्शन और मसल कनेक्शन बिल्कुल बना के रखना है। आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कैसे करना है। सो लेट स्टार्ट। लिफ्ट करने के बाद आपको कम से कम 3 सेकंड में नीचे लेके आना है, जस्ट लाइक दैट। 1 2 3। सो ये अब हम करेंगे स्टार्ट रोप एक्सटेंशन। हल्का सा बॉडी को लीन करना है अपनी बॉडी के हिसाब से, देन स्टार्ट। Plants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are. तो इस तरह से आपको कम से कम 3 से 4 सेट करने हैं। Like kings of Leon, shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. लग रही है घर से कुछ खा के आया नहीं था। मैं अपने साथ एक चीज जरूर कैरी करता हूँ, वो है यहाँ पे प्रोटीन बार। ये सबसे हेल्दी होती है, इसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन है, इसके साथ साथ अच्छा खासा फाइबर मिल जाता है। इजी टू चूज ऑप्शन रह जाता है। जब आपको भूख लगती है, आपको क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है प्रोटीन बार। ये है यहाँ पे एक्सट्रीम प्रोटीन बार जो कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का है और ये बहुत हेल्दी है। तो इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो सर्विंग है वो है 60 ग्राम की। इसके अंदर आपको मिल जाता है 20 ग्राम प्रोटीन, 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो एडेड शुगर। आपको एक बैलेंस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच चॉकलेट यहाँ पे मिल रही है। जब भी आपको भूख की क्रेविंग होती है या फिर आप वर्कआउट करने चाहते हैं तो आपको लगता है कि आपको कुछ जंक नहीं खाना, बाहर का गंदा नहीं खाना, तो आप ये चॉकलेट बार अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, हमेशा अपने बैग के अंदर ये रखता हूं। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो मैं इनको जरूर कैरी करता हूँ। फुल ऑफ एनर्जी देगी आपको। अगर आप भी वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, तो आपको ये बार जरूर यूज करनी चाहिए। प्रोटीन बार है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन अमाउंट भी अच्छा खासा है 20 ग्राम। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर चेक करें। पहले एक बार अपनी बॉडी दिखा दे, भाई की बॉडी एक नंबर की है। तो ये आप देख सकते हो, हर चीज के पीछे मेहनत है और बहुत मेहनत लगती है। अभी एब्स क्लियर नहीं है, मैं आपको अभी 1 या 2 महीने बाद में दिखाऊंगा। भाई की कंडीशनिंग बहुत ही अच्छी। भाई एक बार अपनी थाई दिखाना, वो थाई बहुत जबरदस्त लगती है भाई की, बहुत जबरदस्त है। तो गाइज आप देख सकते हो, ये है मेहनत भाई की। तो इस तरीके की बॉडी बनाने के लिए ये मत सोचना कि यार एस्टेरॉइड लेके बॉडी बन जाती है। एस्टेरॉइड लेके आप भी लेके देख सकते हो, हर चीज के पीछे मेहनत लगती है। और भाई से कोई भी पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है तो भाई को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। सो गाइज ये हमारी ट्राइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज है जो हम अभी परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो आपको स्टार्ट मीडियोकर वेट से करना, लाइट वेट से स्टार्ट ना करें। मीडियोकर वेट से ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा हैवी। जो आपका इसका जो लास्ट सेट होगा उसमें आपको सुपर सेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम वेट तक जाना है। देन उसके बाद जो आपका लास्ट सेट होगा उसमें क्या करना है, आपको मैक्सिमम वेट से डिक्रीज करते हुए आना है आपको। और ड्रॉप में आपको मतलब 4 सेट कैसे कि मैक्सिमम में 3 रैप मारे, फिर ड्रॉप किया, फिर 3 रैप मारे, फिर ड्रॉप किया, फिर 3 रैप मारे। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की, इसके बाद हम फोरआर्म्स ट्रेन करेंगे। तो इसमें आपको मैक्सिमम वेट तक जाना है, 4 सेट लेने हैं, फिर वैसे ही आपको ड्रॉप में आना है और 4 सेट लेने हैं। हालत खराब होगी गाइस। लास्ट 4th रैप है और ये सबसे हैवी है। एंड गाइज देख लो, आप कहते हो ना मेहनत नहीं करते, ये देखो हाथों के हाल देखो आप, ये देखो कैसे छाले पड़ रखे, ये देखो इसके देख लो, ये कम मेहनत करता है लेकिन बॉडी ज़्यादा बन गई है इसकी मेरे से। तो गाइज ये देख लो, मेहनत करने का नतीजा है, तो आप भी ऐसे मेहनत करो। तो गाइज अब हमारा जो लास्ट वर्कआउट होगा वो होगा फोरआर्म्स के लिए, क्योंकि आपको फोरआर्म्स को ट्रेन करना ही बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने आप ट्रेन हो जाता है, लेकिन अगर आपको मजबूत फोरआर्म्स चाहिए, अगर आपकी लड़ाई हो जाए कभी और आप किसी को घुसा या पंच मारो तो वो बंदा वहीं फ्लैट हो जाए, तो इसलिए फोरआर्म्स मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। फोरआर्म्स मजबूत नहीं होते फिर कुछ भी, जैसे हमारी लेग्स है ना नीचे, तो ऊपर फोरआर्म्स है, क्योंकि सारी जितनी भी हमारी मतलब कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो ऑब्वियसली कि हाथ से ही होगी। अच्छा, तो वो जरूरी है। बताओ अगर आपकी जैसी थाई बनानी हो, एक बार थाई दिखाओ कितने दिन में, मतलब कितने मतलब एक हफ्ते में कितनी बार थाई ट्रेन करनी चाहिए? मेरे हिसाब से एक बार ट्रेन करो, लेकिन ऐसे करो कि मतलब तुम्हें खुद ही घर जाने में ऐसा फील होना चाहिए, अंदर से फील आना चाहिए कि नहीं यार आज तो मतलब। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिस दिन सैटरडे होता है तो लोग थाई नहीं मारते, स्किप कर देते हैं। ये बहुत जितना एक चीज दिमाग में डाल लो, जिस चीज से आप जितना भागोगे ना उतना वो चीज तुम्हारे पास आएगी, और जितने तेजी से तुम भागोगे उससे डबल तेजी से वो तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें फेस करनी पड़ी। तो यार करो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। लास्ट एक्सरसाइज बताया अपने फोरआर्म्स की, जो बहुत जरूरी है। जैसे हमारे नीचे बॉडी पार्ट में थाइज है, वैसे ऊपर फोरआर्म्स है। तो लेट्स चेंज, इसको बैक साइड से ऐसे ग्रिप करना है लाइक दैट, एंड इसको लिफ्ट करके थोड़ा सा आगे आ दो, एंड इसको मूव करना है स्ट्रेट, बिल्कुल हाथ स्ट्रेट रहने चाहिए, और लाइक दैट 1 होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज, मैक्सिमम फेलियर रेपिटेशन। सो सेकेंड फोरआर्म्स की एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं अब। लेट्स स्टार्ट। होल्ड रिलीज। और जैसे कि क्या होता है कि जो बिगिनर्स गर्ल्स वगैरह होती हैं, अगर वो इससे नहीं कर सकती हैं तो वो डंबल से कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम स्ट्रेट डंबल लेके खड़े हो सकते हैं, एंड इसको अंदर की साइड मूव करना है लाइक दैट 1 2 3। तो गाइज वर्कआउट हमारा खत्म हो चुका है और अभिषेक भाई ने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया हमारे साथ में। एंड ये वर्कआउट जो आज मैंने आपको बताया है, ये कंप्लीट बाइसेप्स और आर्म्स का जो वर्कआउट नहीं है, इसके अंदर आप अपनी कुछ एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज अपने वर्कआउट स्केड्यूल के अंदर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका बाइसेप्स प्लेटो हिट कर गया है, आपका आर्म्स प्लेटो हिट कर गया है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और भाई बहुत सारे लोग होते हैं बाइसेप्स ट्रेन करते रहते हैं, ये गलत है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। कभी भी हमें एक इंडिविजुअल मसल कभी ट्रेन नहीं करना चाहिए। सारी मसल्स को उतना ही मतलब एक कहते हैं ना इम्पोर्टेंस, जैसे हम हर चीज़ को एक सेम इम्पोर्टेंस देते हैं तो मसल को भी सेम इम्पोर्टेंस देनी है। कि ऐसा नहीं करना कि यार ये थाई है, ये बाइसेप्स है, ये है मतलब। अगर ये भाई अगर थाई छोड़ देते आज मारना तो इतनी अच्छी थाई नहीं बनती ना, जैसे कि मैंने करा था भाई। पहले मैं भी ऐसे ही करता था कि जब हमने जिम स्टार्ट करा था इनिशियल स्टेज में थाई नहीं मारते थे, शोल्डर नहीं मारते थे, लेकिन बाद में आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें लैग करती है और बाद में आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ट्रेन करना चाहिए था। तो इसलिए गाइज वर्कआउट के साथ साथ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, अगर डाइट नहीं लोगे तो ऑब्वियसली मसल ग्रोथ करेगा ही नहीं, फ्यूल कहाँ से आएगा बॉडी के अंदर। तो आप कितना भी वर्कआउट करते रहो, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपका डेफिनेटली मसल ग्रो नहीं करेगा। तो प्रोटीन इंटेक हाई रखो, अच्छे कार्ब्स लो, कॉम्प्लेक्स कार्ब लो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी भाई अभिषेक भाई से ट्रेनिंग लेना चाहता है या उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो भाई आपका नंबर डाल दूँ? या एग्जैक्टली डाल दो भाई। देख बहुत सारे लोग हैं जो आपको परेशान भी कर सकते हैं, फिर बात तो भाई को परेशान मत करना, मैं इनका नंबर डाल दूंगा। पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो नंबर इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ चेकआउट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसके ऊपर आपको लाइक ठोकना है भर भर के, एंड आपके लिए जल्दी हम दूसरा वर्कआउट लेकर जरूर आएंगे, अगर आप इस वीडियो के ऊपर 10,000 लाइक पहुंचा देंगे तो।